स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहला जो टॉपिक है इसमें वो है फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फोर्स, तो आपके दिमाग में सीधे एक छोटी सी बात आती है, पुल और पुश इज कॉल्ड द फोर्स। तो चलिए लिख देते हैं, पुश एंड पुल on a body is called force. Okay, now what is the effect of force? मतलब कि ये जो push और pull है इसके क्या effects हैं, इनसे हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखा जाए। अच्छा, कुछ और भी बातें मैं बता दूं फोर्स के बारे में। सबसे पहली बात तो ये पुश एंड पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। सेकंड, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस इट विल हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। SI unit of force is Newton. Symbol is capital N. CGS unit is Dine. Okay, so this is the some information about the force. Now let's learn about the effect of force. Means what force can do. First thing, force can stop a moving body. Force can move the stationary body, means जैसे moving body को stop कर सकता है, तो एक stationary, एक रुकी हुई body को move भी तो कर सकता है। स्टेशनरी बॉडी मीन्स रुकी हुई बॉडी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। मतलब किसी के स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा भी सकता है,
इंजन आखिर फोर्स ही तो लगाता है ना स्पीड को बढ़ाने के लिए। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। And after that, force can change the shape and size of the body. ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं। एक एक एग्जांपल मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। सबसे पहला, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अगर कोई कार चल रही है या साइकिल चल रही है तो आप फोर्स लगा करके उसको रोक सकते हैं। फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी। एक फुटबॉल है, वो कहीं रुका हुआ है, आप उस पर फोर्स लगा करके उसको मूव कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। सपोज डैट कोई फ्रेंड आपका धीरे धीरे साइकिल चला रहा है, आप उसको धक्का दे करके यानी कि उसको पुश करके यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स के हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉलर जब बॉल फेंकता है तो बैट्समैन क्या करता है कि वो अपने बैट से बॉल के ऊपर फोर्स लगा करके उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। जैसे बैलून है, बैलून के अंदर अगर आप हवा भर रहे हैं तो आप तरीके से बैलून के अंदर फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स जो है वो बैलून के साइज को चेंज कर देता है। ठीक है, उसके शेप और साइज को चेंज कर देता है। या फिर स्प्रिंग मान लीजिए, स्प्रिंग है, उसको अगर आप खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे दोनों ही सिचुएशन में उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द फोर्स। नाउ फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, मींस द टाइप्स ऑफ फोर्स। यू कैन गिव द हेडिंग। Balanced force and unbalanced force. Second type is unbalanced force. चलो देखो, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का एक पहले एक एग्जांपल बताते हैं, फिर इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। इस मान लो कि एक रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी को इधर से तीन लोग खींच रहे हैं, सबकी स्ट्रेंथ इक्वल है और इधर से भी तीन लोग खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है, तो ये तीनों भी कुछ फोर्स लगा रहे होंगे और ये तीनों भी कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। अगर किसी बॉडी पर फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वो फोर्स एक दूसरे से बैलेंस कर लेता है। बैलेंस करने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है।
तो उसको बैलेंस्ड फोर्स हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक तरफ दो आदमी है और एक तरफ तीन आदमी खींच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में ये फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा और ये अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। ठीक है, दोनों के क्या क्या इफेक्ट हैं ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखा जाए, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इफ ऑन ए बॉडी ए नंबर ऑफ फोर्स इज एक्टिंग एंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज जीरो, then force is said to be balanced force. ठीक है, वैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ऑन ए बॉडी a number of force is acting and resultant of all the force is not equal to zero. Then force is said to be unbalanced force. ठीक है, तो अगर रिजल्टेंट जीरो होगा तो फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, और अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा तो फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है कि टोटल फोर्स, ठीक है, कुल मिला जुला करके फोर्स। जैसे कि मान लो ये बॉडी ओ है, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स वाला एग्जांपल बता रहे हैं, तो इसमें कुछ फोर्स इधर लग रहा है, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसी तरह जो टोटल नेट फोर्स जो होता है उसी को रिजल्टेंट फोर्स बोला जाता है। अब एक और देखिए, जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं जब इनका रिजल्टेंट जीरो है तो ये किसी भी टाइप का इफेक्ट शो नहीं करते हैं किसी मोशन पर। जैसे कोई मोशन में मान लो कोई बॉडी है जो एक फिक्स स्पीड से एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उस पर एक कोई बैलेंस्ड फोर्स अगर लगाया जाए तो उसके स्टेट में चेंज नहीं होगा,
क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, तो स्टेट में चेंज कैसे होगा? नहीं होगा। बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑब्लिक रेस्ट। मतलब बैलेंस्ड फोर्स के हेल्प से हम ना ही किसी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं और ना ही किसी बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस अपोजिट लिख लीजिए यहां पर, कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, यानी कि हम लोग एक अनबैलेंस्ड फोर्स के हेल्प से किसी बॉडी का मोशन या उसको रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। एग्जाम्पल्स लिखते हैं कुछ कुछ। एक एग्जाम्पल तो ऊपर वाला ही हो गया, रोप इज पुल्ड बाई सेम अमाउंट ऑफ फोर्स from both end। एक तो यही हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स मत बोलिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टेबल है, उसके ऊपर एक बुक रखा हुआ, तो ये समझा देते हैं इस बात को, कि आगे आएगा डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल छोटी सी बात समझा दे रहे हैं। ये कोई एक टेबल है, इसके ऊपर मान लीजिए कोई बुक रखी हुई है, ऐसा अब इस पे दो फोर्स लगता है। एक फोर्स तो लगता है जो कि वेट है, वेट मतलब कि जो अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, एक फोर्स तो वो लगता है, और दूसरा फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द टेबल ऑन द बुक। टेबल की वजह से बुक के ऊपर एक और फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल अमाउंट में होती है, इसी वजह से बॉडी कहीं मूव नहीं करती है। क्या आप बुक को टेबल पर रख देंगे तो कहीं मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो किसमें है, वो अंडर द बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, अनबैलेंस्ड का तो एग्जांपल आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हो आप रोप इज पुल्ड बाई डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम ईच एंड।
ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिख लिया जाए, जैसे कोई बॉडी है, बॉडी वाला एग्जाम्पल ले ले, इस बॉडी पर इधर से मान लीजिए कि कुछ फोर्स लग रहा है, इधर से कुछ लग रहा है, मान लीजिए कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स है ना, और जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स है तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल होगा और बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स अ लार्जर फोर्स, यानी बॉडी का मोशन किधर होगा, 50 न्यूटन वाले फोर्स के अलोंग। एफ वन मान लेते हैं, इसको एफ टू मान लेते हैं, लेते हैं हेयर F1 एंड F2 आर अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये सारी बातें थी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में।